से यूएनओ का कि हमें यूएनओ में जा सकते हैं, और जब भारत सरकार नहीं सुनेगी तो कहाँ जाएगा। 8 महीने से भारत का किसान सड़कों पे पड़ा है, और जो ये कॉरपोरेट घरानों की सरकार है, जब ये सुन नहीं रही तो किसके पास जाए। यूएनओ करने को देश का ठेका ले लिया है, किसको? देश को बदनाम कर रहा है भारत का प्रधानमंत्री और बीजेपी, ये देश को बदनाम कर रही है। देश को बदनाम नहीं, देश को बेच रहे हैं। तो क्या देश की एजेंसियों पे आपको भरोसा नहीं है? क्यों नहीं है, करते क्यों नहीं है? सारी देश की एजेंसी मोदी के यहाँ गिरवी रखी हुई है, उन पर कैसे विश्वास कर लें? कोई एजेंसी पे कोई बताइए किस पे करें। एनआईए सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, आज तक एनआईए बता पाई है कि पुलवामा हमले के दौरान 300 किलो आरडीएक्स कौन लाया, कहां से आया? आतंकी संगठन ने ले तो ली जिम्मेदारी, अब किसके? क्या दूसरा, अगर मैं कह दूं चोर मैं था तो चोरी का काम खत्म हो गया, ये नहीं होता। आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ले ली, हमने करवाया तो अब क्या उसमें क्या कर सकते हैं? तो अगर पाकिस्तान ये कह दे कि मैंने हमला करवाया तो फिर चुप बैठ जाओगे अपने घर? उसकी जांच करो कि देश के अंदर आरडीएक्स आया कैसे, किस रास्ते से आया, कौन लाया, वो कहाँ है? जांच तो हो ही रही है, कहाँ हो रही है जांच? अगर तू अभी 5 ग्राम नारकोटिक्स ले जेब में लेके जा, तेरे घर तक सूंघ के तुझे पता है पकड़ लेगी पुलिस, वो तो बहुत जल्दी पकड़ ले। लेकिन वो नहीं पकड़ा जो देश के लिए सबसे बड़ा घातक था, सेना के जवान शहीद हुए उसमें, उसका कौन जिम्मेदार होगा? किसे जिम्मेदार मानने है? भारत के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, गृह मंत्री अंदर की सुरक्षा गृह मंत्री के अंडर में होती है। अब कौन थे गृह मंत्री? राजनाथ मानते हो ना जिम्मेदार? बिल्कुल मानते हैं, हम का कोई हमारे रिश्तेदार है, हमारा कोई राजनेता रिश्तेदार नहीं है। जो देश के लिए गद्दारी करेगा उसे गद्दार कहेंगे, जो गलत करेगा उसे गलत कहेंगे। लेकिन अब तो क्या साफ सफाई देते फिर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा था? अरे क्या हो गया अगर कह दिया तो? यूएन क्या है? जब कोई देश की अपनी जनता की नहीं सुनता है तो यूएन में जाते हैं, और मैं केस नहीं गए यूएन में, भारत कितनी बार यूएन में गया है, जाते नहीं है यूएन में। तो अगर उन्होंने एक शब्द कह भी दिया तो कौन सी आफत आ गई? इंटरनेशनल मामला है ये, और इंटरनेशनल तो बना रहे हैं, सरकार बना रही है कि अपने देश की जनता की नहीं सुन पा रहे। यूएन में तो तभी जाते हैं जब इंटरनेशनल मामला होता है, पर तो इंटरनेशनल है नहीं, पूरी दुनिया का मामला है ये। देश की हर व्यक्ति के को इफेक्ट करेगा ये कानून, हर व्यक्ति को, एक भी ऐसा नहीं है। हाँ एक व्यक्ति है जिसको इफेक्ट नहीं करेगा, नरेंद्र मोदी को। क्यों? क्योंकि वो अनाज नहीं खाता, वो काजू की रोटी खाता है, और काजू अफगान से आता है। बाकी देश के हर नागरिक को इफेक्ट करता है ये कानून। आपको क्या इफेक्ट करेगा? रोटी खाते हैं, जब जिस तरह गैस के लिए हम तड़फे हैं, ऑक्सीजन गैस के लिए, पूरे देश की जनता इस तरह अनाज के लिए तड़फेगी जब ये अनाज अडानी अंबानी के सीलों में पहुंच जाएगा। कृषि मंत्री ने साफ कह दिया है कि हम बिल वापस नहीं करेंगे, ठीक है, बातचीत के लिए रास्ता खुला हुआ। बात के बाद कहां किस चीज के करोगे? अरे बारात बुलाओगे, दुल्हन दोगे नहीं तो बारात का क्या फायदा बुलाने का, बताइए? जब हम बारात लेके जाएंगे तो दुल्हन तो मिलनी चाहिए, और दुल्हन तुम दोगे नहीं तो हम बारात संशोधन है क्या रास्ता संशोधन? अच्छा जब हम दूल्हे के लिए सासू माँ को दोगे साथ में, ऐसा नहीं चाहिए हमें, दुल्हन चाहिए, तो हमें ये कानून वापस चाहिए, और ये नहीं करेंगे कोई और करेगा, क्योंकि ये कृषि मंत्री परमानेंट नहीं बना है, 5 साल के लिए बना है, 5 साल में फिर चुनाव होंगे। उम्र में दुल्हन चाहिए? अरे मुझे नहीं चाहिए, हमारे इन बच्चों के लिए चाहिए। देख गिरे ये शेर खड़े हैं, इनके लिए दुल्हन चाहिए। अभी राकेश सिक्किया जी ने कहा कि सितंबर तक अगर सरकार हम बातचीत के लिए आगे नहीं आती है तो हम कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, क्या बड़ा करने वाले हो? 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत होगी, और उस पंचायत में ऐलान होगा मिशन यूपी। मिशन यूपी क्या है? मिशन यूपी देख लेना, 5 तारीख को बताएंगे। क्या आपका मकसद यही सरकार को सत्ता से बेदखल करना बस? अरे लड़ाई सरकार से तो और किसे करेंगे, सत्ता से बेदखल आपको करें? लड़ाई तो तीन कृषि कानून की। हाँ तो सरकार से ही तो है, और किससे है? कृषि कानून लाई कौन है? सरकार। और तो सरकार के खिलाफ ही तो लड़ेंगे, हमारी लड़ाई सरकार से। तो जो भी कार्य करेंगे सरकार के खिलाफ करेंगे, जो भी युद्ध होगा वो सरकार से होगा। युद्ध है ये और क्या है? लड़ाई को क्या कहते हैं? युद्ध ही कहते हैं। राकेश टिकैत जी ने 2 महीने का टाइम दिया है, 7 महीने में तो कुछ हुआ नहीं, 2 महीने का टाइम देकर क्या सरकार को क्या जताना चाहते हो? सरकार को समझाना चाहते हैं। 7 महीने से बैठे हुए सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आप 2 महीने का टाइम दे रहे हो सरकार को, क्या फर्क पड़ता है? सरकार को 2 साल बैठे रहो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं, सरकार को नहीं पड़ेगा, 2024 में पड़ेगा। तो 2 महीने का टाइम ये धमकी है क्या? चलिए हाँ, धमकी भी है और चैलेंज भी है, बिना वजह की
ये आपको लग रही है 2022 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है उसमें किसान किस तरह की भूमिका निभाने जा रहा है, किसके साथ है किसान? सरकार के खिलाफ है किसान, बीजेपी के खिलाफ है किसान। साथ किसके? साथ किसी के नहीं है, साथ किसी को भी दो। अन्य पार्टियां जो प्रदेश में लड़ रही हैं उनमें से जो किसानों को अच्छी लगती हो, जो देश की जनता को, बंटवारा नहीं करता। अब सबको पता है, हर व्यक्ति जानता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो जीतने वाले को देगा। सूत्रों से पता चला कि ओवैसी का समर्थन दे रहे हैं आप? ये हम नाम तो हम किसी का लेते नहीं चुनाव से पहले, हम किसी के बंधुआ मजदूर हैं। ओवैसी के समर्थन में आप यूपी में? कौन आप लोग? ओवैसी की कोई पार्टी नहीं यहाँ पे अभी यूपी में, ओवैसी नहीं लड़ रहा? नहीं अभी। अरे नू लड़ने को तो 565 लड़ते हैं आकर के। चुनाव भागीदारी संकल्प मोर्चा एक संगठन है, उसके साथ में ओवैसी हैं जिसमें राजभर भी हैं। अरे होंगे यार, बहुत पार्टियां लड़ रही हैं यहाँ। मैं किसी का पार्टी का प्रचार थोड़े करने के लिए बैठा हूँ, मैं उनका बंधवा मजदूर हूँ। हमारी लड़ाई सरकार से है, हमें सरकार से कुश्ती लड़नी है, जीते कोई, हमें सरकार को हराना है। और ओवैसी भी चैलेंज कर रहा है आपके साथ तो नहीं? यार ओवैसी को तो बंगाल वालों ने भगा दिया, क्या बात कर रहे हो। लेकिन ओवैसी ने किसानों के समर्थन में बोला था, तो क्या किसान? यार किसानों के समर्थन में तो सारे बोल रहे, ये तो प्रधानमंत्री भी कह रहा, मैं किसानों के साथ हूँ इससे मान लेंगे। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है, अरे यार उसका जुबान उठती नहीं उसकी, कहलवाओगे और मेरे से? वो किसान नेता है, उद्योगपति है, कृषि मंत्री रह चुके हैं। तो रह चुका, रहने को तो कौन क्या क्या रह चुका, हमें ठेक कटा आज का। वो भी किसानों को समर्थन कर रहे थे, कहाँ कर रहा है? उसने तो ये कह दिया बिल वापस मन नहीं होंगे, वो समर्थक है, वो कह रहे संशोधन एक रास्ता है। क्यों क्यों मान ले हम उसके? ठेकेदार है वो, हम किसानों का? उद्योगपति है, उद्योगपतियों का फेवर लेगा। महाराष्ट्र में जितनी चीनी मिल है उसकी और गडकरी की तो है, और किसकी है? अच्छा मान लीजिए कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कृषि कानूनों को वापस ले लेती है, तो फिर उसके बाद किसान क्या करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? क्यों, हम कंडीशनल तो हम कोई बात ही नहीं करते, वो बात नहीं है। क्यों, अगर वापस ले लेती है सरकार तो फिर सरकार के साथ जाने में क्या बुराई है? देखेंगे। मतलब है कि किसान बीजेपी के साथ है, बीजेपी का समर्थन करना चाहते हैं? कौन कह रहा? अभी तो बोल रहे थे देखेंगे। मैंने कहा देखेगा किसान, इसे वोट इसे देनी। आप लोग जो किसान है वो सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रहे हैं, गलत पॉलिसियों की आलोचना कर रहे हैं, या नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना कर रहे हैं? गलत पॉलिसी बनाई किसने, लाया कौन है गलत पॉलिसी? तो आप भारत सरकार की गलत नीतियों की आलोचना कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी या योगी की? भारत सरकार, अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, अच्छा पंजाब सरकार, अच्छा जो किसान के खिलाफ है उन सब के खिलाफ किसान।